आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। भोपाल के एक वैक्सीनेशन सेंटर से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में उन राज्यों की गिनती में आ गया है जहां पर 18 साल से ज़्यादा लोगों का अब निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी, कल भी करीब 100 लोगों को इसी सेंटर पर जो इंजेक्शन है वो लगाया गया था और आज भी आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, अपना आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना शेड्यूल लिया है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो वैक्सीनेशन है वो करा रहे हैं। तो देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन, ये बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों के अंदर का जो उत्साह है वो साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो वैक्सीनेशन है उसको किया जा रहा है और जैसा कि जो नियम बनाए गए हैं कोरोना के, उन नियमों का पालन करते हुए ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जो तस्वीरों में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर जो उत्साह था वो अब कहीं ना कहीं बड़ा है। तो देखिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको शेड्यूल लेना है और शेड्यूल आप लेंगे उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उसके आधार पर आप यहाँ पर आकर अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगे। करा लिया आपने वैक्सीनेशन? जी सर। कितना इंतज़ार था इसका? कुछ नहीं सर, थोड़ा 10-15 मिनट लगा बस टोटली। नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर कितना इंतज़ार था आपको? सर अभी 8-1 दिन से था बस। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को मन भी, देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपना आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं। कितना इंतजार करा था आपने कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का ही वैक्सीनेशन शुरू? काफ़ी इंतजार किया और जैसे ही स्टार्ट हुआ हमने पहले ही ट्राई किया कि पहले स्लॉट में हो जाए और दूसरे दिन ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो आज हम आए हैं। आज हम आए, देखिए SDM साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, संजय जी मौजूद हैं और लगातार उनकी निगरानी में पूरा काम चल रहा है। सर, कल हालांकि कई लोग आ गए थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहीं के पाता शेड्यूल नहीं था, 45 का भी यहीं पर कर दिया गया था, आज व्यवस्थाएं थोड़ी सी ऐसे लग रहे हैं कि भीड़भाड़ नहीं है, व्यवस्थित किया गया। आज हम लोगों ने ऐसा सेशन बनाया है कि 45 साल वालों के लिए अलग बिल्डिंग और 18 साल प्लस वालों के लिए अलग बिल्डिंग। कल जो थी वो दोनों को एक ही बिल्डिंग में होने के कारण थोड़ी भीड़ काफ़ी हो गई थी और आज हम लोगों ने, लोगों में जो कन्फ्यूज़न था कि उन्होंने सीधे रजिस्ट्रेशन करा के सीधे आ गए थे, आज हम लोगों ने पूरी सूची बाहर ही चस्पा करा दी, जिनको स्लॉट आवंटित थे वही आ रहे हैं और बाहर से गेट से ही जांच होकर आ रहे हैं, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्थित ढंग से चल रही है और अभी तक हम लोग 20 करा चुके हैं सुबह 9 बजे से। 20 लोगों का हो चुका है और 100 लोगों का आज वैक्सीनेशन होना है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था इस वैक्सीनेशन का क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अगर आपको कोरोना की इस जंग में लड़ाई जीतनी है तो आपके लिए वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर आप अपने 2 डोज कंप्लीट कराएंगे तो आप इस कोरोना की लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। यही वजह है कि जैसे ही 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद लगातार लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, शेड्यूल लिया, हालांकि अभी भी 8 तारीख तक जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से बुक है, खाली नहीं है, लेकिन लोगों को इंतज़ार है कि जैसे शेड्यूल खुलेगा वे अपनी बुकिंग कराएंगे और अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।